सबसे पहले आपको उसका आरओई देखना है। आरओई क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है शेयर। जब आप शेयर खरीद रहे हो तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा। जिसकी आरओई हाई हो वो शेयर अच्छा है, जिसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई हो, वो डेटा आपको तुरंत पता लग जाएगा, दिमाग भी नहीं लगाना, ना कैलकुलेशन करनी है। सिंपल सी बात, जिसकी शेयर की आरओई हाई हो वो शेयर अच्छा है। दूसरी चीज पर आ जाओ, उसके बाद क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी की जो डेट टू रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो है वो कम होनी चाहिए, उधार नहीं होनी चाहिए ज्यादा उसकी कंपनी में। उधार नहीं, कई कंपनियां मिल जाएंगी आपको जो जीरो डेट पर है, कोई कर्जा नहीं है उनके ऊपर। अगर किसी कंपनी में कोई कर्जा ही नहीं है और फंडामेंटली उनके प्रॉफिट अच्छे है, वो कंपनी अच्छी है। जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है और वो कितने में सेल करती है। मान लो प्रोडक्ट की कॉस्ट है 500 रुपए, सेल करती है 1000 रुपए, प्रॉफिट कितने का हुआ, 500 रुपए का। ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है। आप प्रॉफिट की जब आप एनालिसिस करोगे किसी भी शेयर का, प्रॉफिट दिखाएगा साल दर साल कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ। अगर वो प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है इसका मतलब कंपनी अच्छी है। और इसके अलावा क्या फंडामेंटल रूल है, पॉपुलर होनी चाहिए कंपनी। आप कोई कॉलेज का बच्चा है, क्या आपका भाई कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा, उसको पूछ लो आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले भी बोलते हैं किधर जाना है, प्राइवेट कंपनी में, इंफोसिस, रिसर्च करो। वॉरेन बफेट यही कहता है कि अच्छे से रिसर्च कर लो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। आप कितना यकीन रखते हो अपने घर पे देख लो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिनके शेयर मार्केट में लिस्टेड है। बस यही है मंत्रा और कुछ नहीं है। और जब आपको लगे कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी कंपनीज हैं तो उनमें फ्लैगशिप किसके पास है, सबसे टॉप की कंपनी कौन सी है, उसको पकड़ो।